देखिए प्राइवेट अस्पताल वाले एक तो टीकाकरण महंगा कर रहे हैं, 1100 रुपए ले रहे हैं टीके लगाने के, जबकि कायदे में 750 रुपए में टीका लगना चाहिए। और उसके बाद कोई इंतजाम नहीं, न पीने के पानी का इंतजाम, न लोगों के बैठने का इंतजाम, न छाया का इंतजाम। लोग खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं और सुबह से लेकर के दोपहर तक इतनी गर्मी में, इतनी धूप में लोग परेशान हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि जो टीकाकरण कर रहे हैं उन अस्पतालों को इंतजाम भी करने चाहिए। कायदे में हमारे पूरे राज्य में टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए था। अब लगातार हम सरकार से बोल रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुनती, देश की सरकार से बोल रहे हैं, देश की सरकार नहीं सुनती। 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हुआ था केंद्र के, वो कहां गया? टीके पैसा देकर के क्यों लग रहे हैं? ये वैक्सीनेशन महामारी का वैक्सीनेशन है, ये वैश्विक महामारी है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो टीका लगवाती लोगों का, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि टीके का हिसाब दो, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपदा में अवसर का काम बीजेपी की सरकारें, चाहे केंद्र की हों और चाहे राज्यों की हों, कर रही हैं।